महा कार्टून टीवी। एक बार रामपुर नाम दे एक पिंड दे विच एक बुढ़े हलवाई मोहन दी मिष्ठान भंडार नाम दी एक दुकान सी। हायो रब्बा, हुणे सारा काम कल्ले नहीं संभालिया जांदा। क्यों ना हुण सोहन नूं काम संभालने दे लई वापस बुला लवां, ये सही रहूगा। ओ साहब जी, मैं सफाई कर दित्ती है, कि हुण मैं घरे जा सकदा हां? ठीक है, चल जा तू। चलो भाई, मैं भी दुकान बंद करके घर लई निकलदा हां। सुजाता, ओ सुजाता, कित्थे है भाई, पानी तां पिला दे। आ लो जी, की होया, तुहाडी तबीयत तां ठीक है ना? हां, बस थकान हो रही है बहुत। ठीक है, तुसी मुंह हाथ धो लो, एने में रोटी पा दिनी आ। ठीक है, सब कुछ ठीक तां है ना? तुसी थोड़े परेशान लग रहे हो। हाँ, सब सही है, बस हुन मैनू लगता है कि मेरी उम्र हो गई है, इस करके हुन काम भी संभाल लिया नहीं जाता। तुसी पहला रोटी खा लो, फिर सोहन नाल गल कर लेना। हाँ, तू भी रोटी खा ले। चलो सोहन नू फोन कर लेंदा हाँ। हेलो सोहन पुत्त। नमस्ते बापू जी, की हाल ने तुहाडे? मैं तां बिल्कुल ठीक हाँ, तू किवें है? मैं भी वधिया हाँ बापू जी, करे सारे किवें ने? सब कुछ वधिया, तेरी पढ़ाई किवें चल रही है पुत्त? सही है, बस हुण पेपर आने वाले ने, तां उन्हां दी तैयारी ही कर रहा हाँ। अच्छा अच्छा, पुत्त तू पढ़ाई कर ले, मैं बाद विच गल करता हाँ। की होया जी, तुसी उन्हू करे वापस आन दे लई क्यों नहीं किया, बोलो जी। ओ बहुत खुश है उत्थे, इसलिए मेरी कुछ कहन दी हिम्मत जी नहीं हुई। पर वो कदो तक उत्थे रहूगा, कदे ना कदे तो उन्हू करे वापस आना ही पाऊगा ना, तो तुसी हुणे क्यों नहीं बुला लेंदे उन्हू? हले ओदे पेपर खत्म हो जान, फिर मैं ओदे नाल इत्थे आन दी गल कर लूंगा। अच्छा ठीक आ जी, चलो हुणे सो जाने आ, सवेरे बहुत काम है, सरपंच जी दे घरे मिठाई भी भिजवानी है, मैनू जल्दी उठा दई। सुनो जी, उठ जाओ, सवेर होगी। ओए ए की, मैं तां लेट हो गया, अज तां बहुत काम है। मोहन तैयार होके नाश्ता करके दुकान ते पहुंच गया, पर ओदी सेहत ठीक नहीं सी, जिस करके ओनू बहुत कमजोरी महसूस हो रही सी। ओदी हालत देख के छोटू ने ओनू कहा, साहब जी, जे तुहाडी सेहत ठीक नहीं सी तां घरे ही रुक जांदे, इत्थे मैं सारा काम संभाल लैंदा। कोई ना, मैं ठीक हाँ, अज सरपंच जी दा ऑर्डर है, अते टाइम ते पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, तां तुसी मैनू दसदे रहो, मैं ओवे ही मिठाई बनांदा रहूंगा। छोटू दी मदद दे कारण मोहन ने बिना किसी परेशानी तो सारा काम जल्दी खत्म कर लिया, अते ऑर्डर भी उन्हें सही टाइम ते पहुंचा दिता। पर शाम तक ओदी सेहत होर खराब होन करके ओ बेहोश हो गया, जिस नाल छोटू बहुत घबरा गया। शाब जी, की हो गया, मेरी मदद करो, शाब जी। ओए, की हो गया? ओए, इन्हां नूं हस्पताल ले जाण दे विच मेरी कोई मदद करो। छोटू अते पिंड वाले मिलके मोहन नूं हस्पताल लेके गए, अते सुजाता नूं खबर मिलदे ही ओ भी उत्ते पहुंच गई। छोटू ने जल्दी ही सोहन नूं उहदे बापू जी दी सेहत खराब होण दी खबर दित्ती, अते ओ तुरंत शहर तों रामपुर वापस आ गया, अते ओ अपने बापू जी नूं मिलन दे लई हस्पताल पहुंच गया। जी तुसी फिकर ना करो, हुण सोहन आ गया है ना, ओ सब कुछ संभाल लऊंगा। हां जी बापू जी, तुसी किसी भी चीज दी चिंता ना करो, मैं सब कुछ संभाल लऊंगा। तुसी दोवें परेशान ना होवो, मैं ठीक हां। तुसी हले आराम करो, बाकी गल्लां आपां बाद विच करांगे। सुनो जी, सोहन सही कह रहा है। ठीक है। ओ सारे हस्पताल चों करे वापस आ गए, अते हुन सोहन ने ही मिष्ठान भंडार दी सारी जिम्मेदारी आपदे सिर ते लै लई सी, अते उस दौरान ही सोहन दे कुछ दोस्त उनू मिलन दे लई ओदे घर आए। ओए तुसी इत्थे, आजो आजो अंदर आजो,
बेबे जी देखो शेर चो मेरे दोस्त आए ने। नमस्ते दी। नमस्ते बच्चों, तुसी बैठ जाओ, मैं तुहाडे लई कुछ खान पीन दे लई लेके आई। सोहन यार, तू वापस क्यों नहीं आया? हुण तां पेपर भी शुरू होण वाले ने। मेरे बापू जी दी तबीयत ज्यादा खराब हो गई सी, जिस करके डॉक्टर ने उन्हां नूं काम करन तो मना कर दिता। इसलिए मैं ते उन्हां दी देखभाल भी करदा हां अते दुकान दा काम भी संभालदा हां। ओए की हुण तू इत्थे ही रहेगा अते छोटी जिही दुकान संभालेगा, फिर इन्हां पढ़न लिखण दा फायदा की होया? रोटी खा के रमेश अते महेश वापस अपने घरे चले गए, पर सोहन दे दिल विच उन्हां दीआं गल्लां हले भी चल रहीआं सी अते उन्हें मौका देखदे ही मोहन नाल गल कीती। बापू जी, मैनू पेपर देन दे लई वापस शहर जाना पऊगा अते मैं सोच रहा हां कि उत्थे कोई छोटी जिही नौकरी लभ के तुहानू अते बेबे जी नूं भी उत्थे ही बुला लवां। पुत्तर, जे आपां उत्थे रहांगे तां अपनी दुकान कौन संभालूगा? बापू जी, जे मैनू शहर दे विच वधिया नौकरी मिल जाऊगी फिर दुकान दी की जरूरत? की मतलब? मैं इस दुकान ते इन्नी मेहनत कीती है, ये दुकान कदे भी बंद नहीं होगी। इस दे नाल सानू की मिलूगा? ना पैसे अते ना ही इज्जत। अच्छा पुत, तू मेनू एक वधिया नौकरी लभ के दिखा, फिर आपां इस बारे च गल करांगे। सोहन वापस शहर चला गया अते उन्हें नौकरी लभण दी बहुत कोशिश कीती। इंज ही कुछ महीने लंघ गए, सोहन नू कोई नौकरी ना मिलन करके ओ करे वापस आ गया। मेनू माफ कर दो बापू जी, मेनू लग्या सी कि वधिया नौकरी मिलना बहुत सौखा होगा। कोई ना पुत, पर एक गल हमेशा याद रखी, कोई भी काम छोटा या वड्डा नहीं हुंदा, जे तू उस काम नू पूरे दिल अते मेहनत नाल करेगा ता तेनू बहुत सफलता मिलूगी, समझिया? हां जी बापू जी, हुण मैं दिल ला के दुकान संभालूंगा अते उनू बेहतर करन दी कोशिश करूंगा। जो भी सही लगे कर पुत, मैं हमेशा तेरे नाल ही हां। हां, बहुत भूख लगी है। सोहन दिल ला के दुकान संभालन लग्या अते देखदे ही देखदे ओदे खरीददार बदल लगे। मोहन उस तो बहुत खुश सी। फिर एक दिन रोटी खांदे समय, बापू जी, मैं इस दुकान नू होर वड्डा बनाना चाहुंदा हां, इसलिए मैनू कुछ पैसों दी जरूरत पऊगी। किन्ने पैसों दी जरूरत है पुत? हले तां 2 लाख दी है अते अग्गे भी थोड़े पैसों दी जरूरत पै सकदी है। चिंता ना कर पुत, हुण दुकान दा काम पहलां तों वधिया हो गया है, इसलिए बचत भी बहुत ज्यादा हुई है, मैं कल ही तेनू पैसे दे दूंगा। ठीक है बापू जी। हाल है पुत, जिन्ने पैसे तू मंगे सी उन्ने ही ने, होर चाहिदे ने तां दस दई। धन्नवाद बापू जी। उन्ना पैसिआं नाल सोहन ने अपनी दुकान दी जगह एक रेस्टोरेंट बना लिया अते ओदा प्रचार सोशल मीडिया ते भी कीता, जिस नाल ओदा काम होर मशहूर हो गया। नाल ही उन्हूं अलग अलग थावां तों ऑर्डर मिलन लगे। कुछ सालां दे विच ही ओदे रेस्टोरेंट दीआं ब्रांचां भी खुलन लगियां। अज मैं बहुत खुश हां पुत, मैं कदे सोचा भी नहीं सी कि साडी ये छोटी जिही मिष्ठान भंडार दी दुकान इन्नी वड्डी बन जाऊगी। ओ बापू जी, ये सब तुहाडे करके ही हो पाया है। ओ तेरे करके ही ता सानू इन्ना सम्मान अते शोहरत मिली है। घर विच शोहरत आन दे नाल नाल मोहन दा परिवार खुशी खुशी रहन लग्या। पसंद आया होवे तां लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो ते सब तो पहला साडे वीडियोस देखने लई चैनल सब्सक्राइब करो ते बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।